कहीं कोई खबर नहीं, सब ठंडा। इससे तो अच्छा है अखबार वाले पूरा कागज निकालते, छपाई का खर्चा तो बच जाता। क्यों, इश्तेहारों में भी कुछ नहीं? तुम्हारे हिसाब से तो दुनिया भर की बेहतरीन खबरें इश्तेहारों में ठुसी रहती है। इश्तेहार भी सब ठंडे। एक आदमी विधवा से शादी करना चाहता है, अब कुंवारी को छोड़कर विधवा से शादी करने की क्यों ठानी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जरूर कोई बुरी नीयत होगी। क्यों बुरी नीयत है, ये काम तो कोई निस्वार्थ समाज सेवक ही कर सकता है। और कोई खबर? एक बीमा कंपनी ने बड़े बड़े हल्फों में इश्तेहार दिया है कि वो पति पत्नी का एक ही बीमा करेगा, और इस जोड़े में कोई भी किसी को कैसे भी इस दुनिया से टिकट कटवा दे तो दूसरे को बीमे की सारी रकम मिलेगी। ये भी कोई बात हुई? इन बीमा कंपनियों ने तो जीना मुश्किल कर दिया। क्यों, इसमें भी कोई बुरी नीयत छुपी हुई है? बीमा कंपनी का कोई अपना स्वार्थ नहीं, लेकिन दूसरों के मन में कुकर्म करने की इच्छा जगाना ये पुण्य काम है। औरतों के मन में ऐसे पाप करने की इच्छा कभी नहीं आ सकती, ये तो सिर्फ मर्दों का ही काम है। अच्छा, रुको रुको, सुनो कोई ऊपर आ रहा है, लेकिन इतनी देरी से क्यों? पुड़ी राम, जरा दरवाजा खोलना। अरे क्या होशियारी दिखा रहा है, खोल बाबू ने। बैठो बैठो, मेरे पड़ोसी का ही लड़का है। बोल क्या बात है। बोल अंकल भैया, रेखा मर गई। बोल अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, इधर बैठो, बैठ यहां बैठ। बोल चलो, ऐसे रोते नहीं, बताओ मुझे, बताओ क्या बात है, बताओ। पिताजी दो दिनों में दिल्ली चले गए, घर में मैं, मेरी छोटी बहन रेखा और हमारी सौतेली माँ रहते हैं। मैं आज जब सुबह अपने ऊपर वाले कमरे में पढ़ रहा था, यकायक नीचे से माँ की चीख पुकार सुनाई दी। मैं दौड़कर नीचे आया, रसोई के दरवाजे पर माँ खड़ी चीख रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैं दौड़कर रसोई में गया, वहाँ चूल्हे के पास रेखा बैठी थी, सिर नीचे झुकाए। मैं रेखा को पास जाकर पुकारा, उसे हिलाया, लेकिन अबुल 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 मैं क्या करूं योमकेश भैया, पिताजी घर में है नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। अबुल चुप हो जा, तुम मत होना, मत होना, तुम्हें धीरे से काम लेना चाहिए। रेखा को क्या हुआ था अबुल, बीमार थी? कुछ नहीं। क्या उम्र थी उसकी? यही कुछ 16-17 साल, मुझसे 3 साल छोटी। हाल ही में कोई बीमारी हुई थी, टाइफाइड, बेरी? जी जी नहीं। तुम जाकर देखो ना। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, बिना देखे कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर तुम्हारे पिताजी को एक तार भी भेजना है, एक डॉक्टर भी चाहिए। तुम्हारे घर के पास डॉक्टर रुद्र रहते हैं ना? आ, जी हाँ। आओ अजीत। तुम यहाँ काम करते हो? जी। सामने वाले मकान में डॉक्टर रुद्र रहते हैं, उन्हें जाकर जरा बुला लो। जी बाबा। रसोई घर कहाँ है? इस तरफ। चलो।
दिए सिलाई जलाकर चूल्हा जलाते वक्त यकायक मृत्यु हुई है। मौत के समय रसोई घर में और कोई नहीं था। देखो लगता है शायद डॉक्टर रुद्र आए। क्यों, क्या लगता है, क्या हुआ, मर गई? आप ही देख लीजिए। ये कौन है? पड़ोसी। देव कुमार बाबू की यही बेटी है? जी है। इसका नाम रेखा है? जी। क्या हुआ था इसे? बिल्कुल ठीक थी, यकायक। मौत करीब 2 घंटे पहले हुई है, क्योंकि रिगर मॉर्टिस शुरू हो गया है। मौत की वजह क्या है आप बता सकते हैं? बिना ऑटोप्सी के कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है अब मेरा यहां कोई काम नहीं, मैं चलता हूं। मेरी फीस 32 रुपए मेरे घर भिजवा दीजिएगा। और हां, पुलिस को इन्फॉर्म करना मत भूलिएगा, क्योंकि मौत संदेहजनक है। अबुल, अपने नौकर को बुलाना सर। हरि कागज सर। थाने में दरोगा बाबू है, ये उनको दे देना। अच्छा। अबुल, लाश जैसी है वैसे ही पड़ी रहने देना, पुलिस आएगी क्या करना है वही करेगी। चलो रेखा का कमरा देखते हैं। ये सामने वाला मकान डॉक्टर रुद्र का? जी। अबुल, ये चिट्ठी तुम्हारी बहन की लगती है, जरा पढ़कर देखना तो क्या लिखा है। नंतुदा, हमारी शादी की बातचीत टूट गई है। तुम्हारे पिताजी 10,000 दहेज मांग रहे हैं। पिताजी इतना रुपया नहीं दे सकते। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, यह तुम्हें मालूम है। लेकिन इस घर में मैं और नहीं रह सकती। तुम्हारे पिता के डॉक्टर खाने में कई तरह के जहर होंगे। तुम मुझे कोई जहर लाकर दो ना, न भी दोगे तो मैं किसी भी उपाय से मरूंगी। मैं और जीना नहीं चाहती। रेखा, मुझे मालूम था यही होगा। रेखा, आत्महत्या करें। ये नंतू कौन है? नंतू डॉक्टर रुद्र का लड़का है। रेखा के साथ उसकी शादी की बातचीत चल रही थी, उसके बाप ने 10,000 दहेज मांग कर रेखा की जिंदगी बर्बाद कर दी। इधर यहाँ बैठो, बैठो इधर, बैठो बैठो। जो होना था सो हो गया। मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं है, माँ नहीं है, पिताजी को अपने काम से फुर्सत नहीं है। परेशान मत हो, अभी पुलिस आ जाएगी, उससे पहले तुम्हारे मां से बातचीत करनी है। आ जाओ, चलो उठ। क्या बात हुई, आप कुछ बता सकती हैं? आज नौकरानी नहीं आई, इसलिए मैंने रेखा को चूल्हा लिपकर आग जलाने को कहा। घर के सारे काम मैं ही करती हूँ, कभी किसी से ढेला भर भी काम करने को नहीं कहा, और जब तक शरीर में ताकत है मैं करती भी रहूँगी।
लेकिन 100 काम है, अकेली जान करे भी तो कैसे। इसलिए मैंने रेखा को चूल्हा जलाने को भेजकर अपने कमरे की सफाई में लग गई। नीचे रसोई में क्या हो रहा है मैंने कुछ नहीं देखा। नहा धोकर कपड़े बदल पूजा करने के बाद जब मैं रसोई में पहुंची तो देखा रेखा मरी पड़ी है। मैं तो इस घर के किसी सात पांच में नहीं रहती हूँ, लेकिन वो तो मेरे भाग्य ही फूटे हैं कि सारे झमेले मुझे ही झेलने पड़ते हैं। अब ये जो हुआ है मुझे मालूम है, सब लोग इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराएंगे। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ आकर क्या तूफान खड़ा करेंगे मैं सोच भी नहीं सकती। मैं तो वैसे भी उन्हें फूटी आंखों नहीं भाती हूँ, मेरे मरने के बाद ही उन्हें शांति मिलेगी मुझे मालूम है। आज सुबह आपकी रेखा से कुछ कड़वी बातें हुई थी? कड़वी बातें कहूँ, ऐसे घर की नहीं हूँ मैं। वो तो मेरे नसीब ही फूटे हैं कि जब से इस घर में आई सौत के लड़के लड़की के साथ गुजर कर रही हूँ। कभी कोई कह के तो देखे कि मैंने जुबान से कभी कोई कड़वी बात कही हो। आज सुबह जब मैंने रेखा को चूल्हा जलाने के लिए भेजा तो उसने रसोई से वापस आकर कहा माचिस नहीं मिल रही है, और सीधे ठाकुर जी के पास जाकर पूजा की माचिस उठा ली। तब मैंने कहा इतनी बड़ी हो गई अक्ल भी नहीं है, बासी कपड़ों में चली आई और सीधे ठाकुर जी को भी छू लिया। अरे माचिस की जरूरत थी तो दुकान से मंगवा लिया होता, बस इतना ही तो कहा था, कसम से कहती हूँ। और अगर ये भी कसूर है तो गलती मानती हूँ। कसूर की कोई बात नहीं है, लेकिन रेखा आपके कमरे में माचिस लेने क्यों गई? क्या माचिस हमेशा आपके कमरे में रहती है? नहीं, रसोई में भी रहती है, लेकिन एक माचिस मैं अपने ठाकुर जी के पास हमेशा ही रखती हूँ। रात को अंधेरे में मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए मैं लैंप जला के सोती हूँ। ये बात सभी लोग जानते हैं, रेखा भी। वो देखिए लैंप। मतलब उसी वक्त आपने रेखा को आखिरी बार जिंदा देखा था, उसके बाद नहीं? नहीं, और देखूंगी कब। घर की सफाई के बाद तो मैं नहाने चली गई थी। दरोगा जी आए हैं। धन्यवाद, अगर जरूरत हुई तो बाद में पूछताछ करूंगा। देखो देखो, अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस में हमारे हाबुल और रेखा के पिताजी प्रोफेसर देव कुमार सरकार ने एक लंबी स्पीच दी। क्या कहते वो? कहा है भारतीय वैज्ञानिकों की विज्ञान से रुचि नहीं है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। इसका ज्वलंत उदाहरण है हमारा प्राचीन भारत। विज्ञान का बीज मंत्र भारत में ही हुआ है, लेकिन वर्तमान में हमारी दशा सोचनीय है। फिर भी सारी असुविधाओं के बावजूद हम अपनी छोटी लेबोरेटरीज में जो कुछ चमत्कार कर रहे हैं उसे प्रोत्साहन, आर्थिक सहायता और सहानुभूति चाहिए। फिर हम भी दिखा सकते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक विश्व के अन्य वैज्ञानिकों से कहीं भी कम नहीं है। आर्थिक सहायता क्यों, क्या हुआ? ये हबुल दिखने में तो बुद्धिमान लगता है, लेकिन इसके पिता वैज्ञानिक होकर भिखारियों की तरह ये रोने धोने का भाषण क्यों दे रहे हैं? क्यों, इस भाषण से क्या वो बुद्धिमान नहीं लगते? ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर से शादी करना कोई बुद्धिमानी का परिचय तो नहीं? कब मिले थे तुमसे? एक दो बार देखा है उन्हें, तार पहुंच गया होगा, आज आ जाना चाहिए उन्हें। तुम्हें क्या लगता है रेखा ने आत्महत्या की है? तुम्हें क्या लगता है? आत्महत्या ही होगी, चिट्ठी में तो साफ लिखा है। हाँ, लेकिन आत्महत्या हुई कैसे? जहर खाकर, ये भी तो चिट्ठी में लिखा है। अरे इस चिट्ठी में लिखा जरूर है, लेकिन चिट्ठी जहां पहुंचनी थी वहां पहुंची नहीं, लिखने वाले के तकिए के नीचे रह गई। फिर जहर कहां से मिला? चिट्ठी में तो ये भी लिखा था कि जहर न मिलने पर किसी और तरीके से। लेकिन चिट्ठी भेजने से पहले ही दूसरा तरीका अपना लिया, क्या ये मुमकिन है? फिर चूल्हा जलाते जलाते कोई आत्महत्या नहीं करता। रेखा की मौत हुई है अकस्मात, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। देखा नहीं तुमने, बैठी की बैठी रह गई, माचिस की तीली हाथ में ही जलकर राख हो गई। फिर कैसे हुई ऐसी मौत? यही तो समझ में नहीं आ रहा, पोटेशियम साइनाइड को छोड़कर इतनी घातक शक्ति किसी और जहर में नहीं है। हार्टफेल भी तो हो सकता है। हाँ, यही संभावना जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन मन नहीं मानता।
इतनी कम उम्र में हार्ट फेल। चलो कल डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चल जाएगा। अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। नमस्ते, मेरा नाम मन्मथनाथ रुद्र है। अच्छा, आप ही नंतु हैं? क्या आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, बैठिए बैठिए। आप रेखा के बारे में जानना चाहते हैं ना? जी, उसकी मृत्यु कैसे हुई? अभी कुछ कह नहीं सकते। क्या आप समझते हैं रेखा ने आत्महत्या की है? मुझे तो मुमकिन नहीं लगता। तो फिर क्या किसी ने उसे? फिलहाल यकीनन कुछ कहा नहीं जा सकता। आपने शायद सुना होगा, रेखा के साथ मेरी। हाँ, मैंने सुना है। मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ। जब वो 7 साल की थी तब से मैं उसके घर जाया करता था, लेकिन जब शादी की बात हुई तब पिताजी अड़ गए। ऐसी शर्त रखी कि शादी टूट गई। मैंने भी फैसला कर लिया, पिताजी की मर्जी के खिलाफ ही शादी करूंगा। इस बात पर हमारा झगड़ा भी हुआ। उन्होंने कहा मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन मैं पिताजी से। आपका झगड़ा कब हुआ? परसों दोपहर को। पर मैंने साफ कह दिया कि रेखा के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। आपके पिताजी इस शादी के खिलाफ क्यों थे? वो चाहते थे मेरी बड़े खानदान में शादी हो, जहां से उन्हें काफी रुपया मिले। लेकिन ऐसा क्यों हुआ बंकिश बाबू? रेखा को मारकर किसी को क्या फायदा? आपके पिताजी को फायदा हो सकता है। पिताजी? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन है? नमस्कार प्रोफेसर देव कुमार, तार मिल गया आपको? ये बदमाश यहां क्या कर रहा था? मुझसे मिलने आया था। लड़की की जान लेकर भी इसका पेट नहीं भरा? ये और इसका बाप दोनों नरपिशाच हैं, रुपए के लिए घटिया से घटिया काम करने से भी नहीं चुकेंगे। आप बैठिए बैठिए बैठिए। हाबुल ने आपके बारे में सब बताया मुझे। आपने जो हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहे हैं आप? अगर मदद की भी तो पड़ोसी के नाते ये हमारा कर्तव्य है। फिर भी आप इतने व्यस्त आदमी हैं। अच्छा, क्या हुआ था रेखा को? कुछ समझ में आया? घर पर कोई ठीक से बता नहीं पा रहा। कुछ कह नहीं सकते प्रोफेसर, देखते हैं डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या निकलता है। अगर मेरे पास रुपया होता तो इस केस की छानबीन का भार मैं आपको सौंपता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इतना रुपया है ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो नहीं व्योमकेश बाबू, बिना फीस दिए मैं किसी की मदद लेना नहीं चाहता। पुलिस पहले ही तहकीकात कर रही है, जो भी करना होगा वही करेगी। और फिर तहकीकात से क्या होगा, मेरी बेटी तो मुझे वापस नहीं मिलेगी। धन्यवाद व्योमकेश बाबू, मैं चलता हूं। अच्छा, चलो, एक शंका का समाधान तो हुआ। मेरा ख्याल था प्रोफेसर अपनी पहली पत्नी के बच्चों से प्यार नहीं करते, लेकिन कम से कम अपनी बेटी से तो बहुत प्यार करते हैं। अरे, ये सिगार यहीं भूल गए? भुलक्कड़ मिजाज के हैं बेचारे। डॉक्टर रुद्र पर बहुत बिगड़े हुए थे। कल इंस्पेक्टर बिरेन से मिलना है। आइए ब्योमकेश बाबू, मैं आपका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है। बार बार मुआयना करके भी मौत की वजह का मालूम नहीं चल सका। शरीर में कहीं कोई चोट का निशान भी नहीं है, पेट में जहर भी नहीं मिला, हार्ट भी नॉर्मल और हेल्दी है। यकायक स्नायु मंडली के अपने काम बंद कर देने की वजह से यह मौत हुई है। अब यह केस कॉर्नर्स कोर्ट में जाएगा, वहां से अज्ञात वजह से मौत की राय दी जाएगी।
और फिर हमारी मर्जी। हम ये तहकीकात जारी भी रख सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तहकीकात जारी रखनी चाहिए। क्यों, आपको किसी पर शक है क्या? अगर हमें इस मृत्यु की गुत्थी को सुलझाना है तो पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यह मौत हुई कैसे। जब तक कि हमें इसका पता नहीं लगेगा, इस पर या उस पर शक करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट से जब कुछ पता ही नहीं लगता तो डॉक्टर ने तो सिर्फ रेखा की लाश का मुआयना किया है, लेकिन लाश के अलावा हम और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। और अगर डॉक्टर को किसी चीज के बारे में पता नहीं लगता, वो हम भी नहीं जान पाएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं। ये बात तो है। कल प्रोफेसर देवकुमार आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे इस केस से छुट्टी दे दी है। मतलब? मतलब ये कि बिना फीस दिए वो किसी की मदद नहीं लेना चाहते, और फीस देने लायक उनके पास पैसे है नहीं। क्यों नहीं है? उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, कॉलेज में प्रोफेसर है, 800-900 रुपए तो मिलती ही होगी। शायद ज्यादा ही होगी। फिर आपकी मदद क्यों नहीं ले रहे? किसी को आड़ में रखने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? हाँ, ये हो सकता है। किसको आड़ में रखेंगे, अपनी पत्नी को या अपने लड़के को? प्रोफेसर ने आपको छुट्टी दे दी होगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं आप ही के पास आऊंगा। जी जरूर, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। और फिर मेरा तो इस केस से संबंध हाबुल की वजह से है। वेरी गुड, मैं आपके पास परसों सुबह आऊंगा। बिल्कुल, चाय वाय तो पिलाएंगे ना? जी जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगा 9 बजे। अच्छा मुकेश बाबू कहाँ हैं? अंदर है, आप बैठिए, मैं बुला लाता हूं। कौन? खुलो कुटीराम, मैं राहुल हूं। अरे नमस्ते दरोगा बाबू। नमस्ते भाई, कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। आइए आइए इंस्पेक्टर बिरेन। अरे कुटीराम, चाय भिजवा दो, और सुनो साथ में कुछ खाने पीने के लिए भी भेज दो। हाबुल, घर पे सब ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक है, पिताजी आज पटना जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना है। अरे रुको तो सही, बैठो ना। नहीं व्योमकेश बाबू, मैं तो बस यही बताने आया, पिताजी से कुछ कहना है? नहीं कुछ नहीं, जाने दो उन्हें, काम में लगे रहेंगे तो जरा जी बहल जाएगा, उन पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता। चाय तो पीते जाओ। बस नमस्ते। अच्छा और बताइए इंस्पेक्टर, डॉक्टर रुद्र से मिले? हाँ मिला, पूरा माया का लोभी और निष्ठुर डॉक्टर है। सुना है पैसों की वजह से उसके 2-3 मरीज बिना इलाज के ही मर गए। रेखा के साथ उसके लड़के की शादी की बात थी, शादी तोड़ने के इरादे से उसने 10,000 रुपये मांगे। उसे मालूम था कि प्रोफेसर इतनी बड़ी रकम तो जुटा नहीं पाएगा, और शादी टूट गई। रेखा की मौत के बाद वो लड़का अपने बाप से लड़कर घर छोड़कर चला गया। वो अब भी यही समझता है कि रेखा की मौत की वजह उसका बाप ही है। लेकिन मेरे ख्याल से इस मामले में डॉक्टर रुद्र पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। शायद आपका कहना ठीक ही है। लीजिए चाय आ गई। अरे अजीत, तुम सरकारी डॉक्टर से मिले थे ना? जरा इंस्पेक्टर बिरेन को बताना क्या कहते हैं। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट के बाहर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन उन्होंने एक बात कही। उनका कहना है कि किसी भी अनजाने जहर का धुआं नाक के अंदर जाने से मृत्यु हो सकती है, जिसका पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से नहीं चल रहा। ये भी डॉक्टर की एक थ्योरी है, उनका कहना है कि वो गलत भी हो सकते हैं। प्रोफेसर देवकुमार से मिले? आज जा रहे हो? हाँ मिला। उनकी आर्थिक हालत वाकई अच्छी नहीं है, लगता है दुनियादारी के मामले में बिल्कुल नावाकिफ है। अब लड़की की शादी के लिए 7-8 हज़ार रुपये खर्च करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। कॉलेज के प्रोविडेंट फंड से उन्होंने उधार की अर्जी भी दी थी, खैर वो शादी ही टूट गई। कॉलेज से उन्हें काट कूट कर कुल 880 रुपये मिलते हैं, लेकिन सुनकर ये ताज्जुब होगा कि उस 880 रुपये में से एक मोटा हिस्सा बीमा कंपनी को भेज जाता है। 50,000 का बीमा करवाया है। 50,000 का बीमा कब किया? 1 साल से ऊपर हो गया। ज्वाइंट पॉलिसी है अपने और अपनी पत्नी के नाम। दूसरी पत्नी है, अगर वो गुजर जाए तो उनकी विधवा पत्नी को कोई तकलीफ ना हो, शायद इसीलिए।
क्या सोच रहे हैं? आप उनकी पत्नी से मिले, बस यही बाकी है। इस हाबुल के बारे में पता करवाया, बड़ा अजीब सा लड़का है, कॉलेज नहीं जाता, बस यही घूमता फिरता रहता है, और अभी मुझे यहाँ से देखकर भाग गया। आप हाबुल की तरफ से बेफिक्र रहिए, यहाँ से तो सीधा थाने ही जाएंगे ना। ठीक है, मैं जरूरत पड़ी तो वहां आ जाऊंगा, नहीं तो टेलीफोन कर दूंगा, मुझे जरा बाहर जाना है। मैं भी चलता हूं। ठीक है। तुम्हें हो क्या? इंस्पेक्टर को रोता हमने दिया। चलो जल्दी, हबल के घर जाना है, प्रोफेसर देव कुमार को पटना जाने से रोकना है। क्यों? प्रोफेसर देव कुमार, प्रोफेसर देव कुमार है क्या? हुआ हाबुल? क्या हुआ हाबुल को? किधर है वो? ऊपर अपने कमरे में। चलो। बिल्कुल इसी तरह रेखा की मौत हुई थी। किस्मत की मार देखो, बुरा करने वाले का यही हाल होता है। क्या हुआ? तुम फौरन जाओ, इंस्पेक्टर बीरेन को ले आओ। मेरी तरफ से कहना कि प्रोफेसर देव कुमार के नाम गिरफ्तारी का वारंट भी ले आए, जल्दी। लेकिन तुम जाओ तो सही, मैं बाद में समझा दूंगा। साथ में ये भी कहना कि हाबुल अपनी बहन रेखा की तरह मर गया। जाओ जल्दी जाओ। हुआ क्या था? हाबुल छुप छुप के सिगरेट पिया करता था, कई बार खरीद कर मैंने हिला के दिया। आज माचिस नहीं थी उसके पास, उसने कहा माचिस ला दो, तो मैं माचिस लेने गया बाजार में, मुझे और भी कई काम थे, माचिस लाने में देर हो गई। जब मैं माचिस लेकर आया तब वो अपने कमरे में खत्म हो चुका था। फिर तुमने क्या किया? प्रोफेसर साहब आज ही पटना जाने वाले थे, उनको बताया, वो फौरन ऊपर गए और वहां उनको देख कर रोने लगे। वो माचिस कहाँ है जिससे हाबुल ने सिगरेट जलाई थी? वो तो साहब ने उसके हाथ से ले ली थी। अच्छा, उस वक्त माजी कहां थी? रसोई घर में। प्रोफेसर देव कुमार कहां है? अपने कमरे में। क्या हुआ? वारंट लाए? जी हां। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। प्रोफेसर देव कुमार, आपके नाम वारंट है। आप आ गए, अच्छा ही किया, मैं खुद ही थाने जा रहा था। लीजिए पहना ये हथकड़ी। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ आपको बताने आए हैं। डेस्टिनी, तकदीर, नहीं तो हाबुल भी क्यों उसी माचिस की डिबिया से तीली निकाल ले गया? क्या सोचा था, क्या हो गया,
सोचा था रेखा की धूमधाम से शादी करूंगा, हबुल को विदेश पढ़ने भेजूंगा, अपने लिए अप टू डेट लेबोरेटरी बनाऊंगा। देव कुमार बाबू, मुझे आपकी माचिस चाहिए। डरिएगा नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। अपने लड़के को मारा, लड़की को मारा, अब मैं खूनी आसामी की तरह फांसी के तख्ते पर लटकना चाहता हूं। माचिस की डिबिया मुझे दीजिए। इसमें केवल 5 तीलियां हैं, लेकिन सावधान, एक एक तीली मृत्युवान जैसी है, जलते ही फौरन मौत, जैसे मेरे दोनों बच्चों की हो गई। क्या इजाद की है मैंने, पलक झपकते ही मौत होगी, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं रहेगा। आधुनिक युद्ध नीति में एक भयंकर तब्दीली होगी। ये विष नहीं है, एक महामारी है, लेकिन बुरा जो देखन मैं चला। प्रोफेसर देवकुमार, मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। हाँ, आप अपनी पत्नी से नहीं मिलेंगे? पत्नी? मेरी फांसी के बाद बीमे का सारा पैसा उसी को तो मिलेगा। किस्मत का खेल देखिए। अंग्रेजी में एक फिक्रा है, वेंजेंस कमिंग होम टू रूस्ट। प्रोफेसर देवकुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भाग्य की विडंबना देखो, अपनी पत्नी को मारना चाहते थे, 2 बार उन्होंने अपना अचूक अग्निबाण छोड़ा और दोनों बार ही अग्निबाण लगा उनके प्यारे पुत्र और पुत्री को। लेकिन ये अग्निबाण उनके हाथ लगा कैसे? साइंटिस्ट तो थे, एक्सपेरिमेंट करते करते एक नया आविष्कार कर लिया, एक ऐसा आविष्कार जिसकी जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं थी, लेकिन जिसका एक भी अंश अगर दुनिया में किसी भी बड़ी ताकत को, जापान, अमेरिका, जर्मनी, अगर उन्हें पता लग जाता तो वो फौरन अपने कारखानों में ये जानलेवा जहर बनाना शुरू करते थे। इसीलिए प्रोफेसर देव कुमार ने इस आविष्कार की चर्चा किसी की नहीं, ये चाहते थे कि खुद इस पर और एक्सपेरिमेंट हो। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट गोपनीय ढंग से करने के लिए अपनी खुद की एक लेबोरेटरी होनी चाहिए ना, लेकिन इसके लिए रुपया भी तो चाहिए। जो लोग मानसिक मेहनत करते हैं उन्हें सांसारिक जीवन में शांति चाहिए, लेकिन छुआछूत, पूजा पाठ मानने वाली और हमेशा कचकच करने वाली दूसरी पत्नी ने प्रोफेसर देवकुमार का जीना मुश्किल कर दिया था। अमूमन कोई अपनी स्त्री की हत्या करने की बात नहीं सोचता, लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि बात बर्दाश्त से बाहर पहुंच गई है। अब इस घातक जहर का आविष्कार प्रोफेसर देवकुमार ने किया और मेरा ख्याल है कि तभी उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि अपनी स्त्री को रास्ते से हटा देना चाहिए। इन्हीं दिनों अखबारों में पति पत्नी का इकट्ठा बीमा करने की योजना के बारे में उन्होंने पढ़ा। एक के मर जाने से दूसरे को सारा रुपया मिल जाएगा, यही मौका था इस तरह का बीमा करके अपनी पत्नी का खात्मा कर सके तो एक बार से तो फायदे हो सके। प्रोफेसर देवकुमार ने पूरे 50,000 का बीमा कराया, कोई जल्दबाजी नहीं की जिससे कि बीमा कंपनी को शक हो। फिर 1 साल इंतजार किया, अपनी पत्नी पर जहर आजमाने के लिए एक नायाब तरीका निकाला। एक वैज्ञानिक मस्तिष्क इस तरह सोच सकता है, उन्हें मालूम था कि जहर में आग लगने से जो धुआं निकलता है उसका छोटे से छोटा अंश भी अगर नाक में जाए तो कोई बच नहीं सकता। इसलिए उन्होंने माचिस की तीली के मुंह पर जहर लगा दिया। अब कोई भी ये तीली जलाएगा वहीं खत्म हो जाएगा। तभी दिल्ली में विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था, उन्होंने सोचा यही मौका है। उन्हें पता था कि उनकी पत्नी रोज सवेरे पूजा के लिए माचिस से दिया जलाती है,
अब ये माचिस पूजा घर में ही रहती है और इस माचिस का और कोई इस्तेमाल तो होता नहीं। सो उन्होंने इस माचिस की डिबिया में एक जहरीली तीली डाल दी और वो दिल्ली चले गए। अब 4-5 दिनों में कभी ना कभी घातक तीली का इस्तेमाल तो करेगी ना उनकी पत्नी, तब प्रोफेसर देव कुमार दिल्ली में होंगे और उन पर कोई शक भी नहीं करेगा। सब ठीक ही था लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अपनी पत्नी की जगह उनकी अपनी बेटी चूल्हा जलाकर मारी गई। प्रोफेसर देव कुमार दिल्ली से वापस आए, अब लड़की की अचानक मौत से अपनी पत्नी पर उनका गुस्सा दुगना हो गया। उन्होंने ठान ली कि अगर लड़की गुजरी गई है तो उनकी पत्नी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। फिर उन्होंने पटना जाने का प्रोग्राम बनाया। इस बार उन्होंने सारी की सारी जहरीली तीलियां उसी माचिस की डिबिया में डाल दी लेकिन वो पटना नहीं जा सके। हबुल को सिगरेट पीने का शौक था, वो अक्सर अपने कमरे में बैठा चोरी छुपे सिगरेट पिया करता था। इस बार घर में माचिस नहीं थी, उसने नौकर से कहा बाजार से ले आ। नौकर को आने में देर हो गई और उसने बगल में अपनी माँ के कमरे से वही माचिस से दिया सलाई जलाई। हाँ। अच्छा ये बताओ, प्रोफेसर देव कुमार ही अपराधी हैं, ये तुम्हें कब पता चला? जब मैंने सुना कि उन्होंने 50,000 का जॉइंट बीमा कराया है, उससे पहले रेखा के पोस्टमार्टम से पता चल चुका था कि मौत जहर से नहीं हुई है। तब इस नतीजे पर पहुंचा कि मौत जैसे भी हुई हो उसे आज के वैज्ञानिक नहीं जानते। अब हमारे सामने दो वैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर रुद्र और प्रोफेसर देव कुमार। हो सकता है इनमें से किसी को भी वो अज्ञात सरिया मालूम हो। ऐसी सूरत में ज्यादा शक डॉक्टर रुद्र पर ही पड़ता था। भाई डॉक्टर है, जहर से उनका वास्ता पड़ता है, और प्रोफेसर देव कुमार अगर आविष्कार करता होते तो अपनी लड़की पर यह जहर क्यों आजमाते? हालांकि डॉक्टर रुद्र घटिया किस्म के इंसान है लेकिन पड़ोस की लड़की जो सिर्फ उनके लड़के से प्यार करती है इसी बात पर खून क्यों करेंगे? यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। हाँ ये बात तो है। अजीत तुम तो लेखक हो, तुम्हें प्रोफेसर देव कुमार के इस केस में एक दर्दनाक व्यंग नहीं नजर आ रहा? इंसान ने जब पहली बार दूसरे की हत्या करने के लिए हथियार बनाया उसी दिन से उसने अपनी मौत की खाई खोद ली। आज दुनिया में जो चोरी छुपे हिंसक और प्राणघातक जहर बनाए जा रहे हैं यही जहर किसी दिन सारी मानवता को ध्वंस कर देगा, ऐसा नहीं लगता?